नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने की बहुत ही बढ़िया हेल्दी रेसिपी, जिसे साबूदाने की खिचड़ी भी बोला जाता है। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको टेस्टी तो लगेगी ही, साथ में ये बदलते मौसम में भी बहुत काम की है। ये आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी करेगी और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी। तो इस बार आप इसे ज़रूर नवरात्रि में बनाकर इसे ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने साबूदाना ले लिया है 1 कप, साथ में ले ली है आधी कटोरी पीनट्स की, और 1 कप के करीब ले लिए हैं फूल मखाने, और 2 जो टमाटर हैं उन्हें मैंने काट लिया है, अच्छे से ग्रेट कर लिया है अदरक को, और हरी मिर्च को काट लिया है। वो आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको मिर्च को डालना है, आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले साबूदाना को एक बाउल में डाल लिया है और इसमें अब पानी डाल के अच्छे से इसको धो लेना है, ताकि इसका जो ऊपर की थोड़ा निकलता है ना गंदगी सी, तो वो सारी निकल जाएगी। अच्छे से 2-3 पानी लगा के हम इसे धो लेंगे। ये देखिए, अच्छे से साबूदाना जो है धो लिया है। और ये जो साबूदाना है मैंने छोटे साइज़ का लिया है, ज़्यादा मोटे साइज़ का जो साबूदाना है वो नहीं लिया है। और ये झटपट से बन जाता है, तो यहाँ पे मैंने बर्तन रख दिया है, इसमें डाल दिया है देसी घी 2 चम्मच, और इसमें अब हम भून लेंगे पहले मूँगफली को। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, चटकने लगें जैसे ही तो निकाल लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगी, तो इन्हें हमें निकाल लेना है। ज़्यादा भूनने से इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो अब बचे हुए घी में डाल लेंगे हम फूल मखाने। आप यहाँ पे इन्हें भी क्रंची होने तक भून लेंगे, तो अच्छा टेस्ट आता है बाद में इसे जब ऐड करते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, जो जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच देसी घी और ऐड कर रही हूँ, और इसमें अब डाल लेंगे 1 चम्मच जीरा और भून लेंगे इसे। जीरा भूनने के बाद इसमें अब ऐड कर लेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। अदरक भूनने के बाद अब इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए टमाटर, और इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। और इसी टाइम हम ऐड कर लेंगे कटी हुई हरी मिर्च, अच्छे से मिला लेंगे, और इसे अब लगा देंगे ढक्कन और 1-2 मिनट इसे ऐसे ही पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो अब ढक्कन खोल दिया है और इसे हिला लेंगे थोड़ा सा। और इसमें करी लीव्स डाल लेंगे, एक्चुअली स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो आप, जब घी डालते हो उस टाइम पे भी जीरे के साथ डाल सकते हो, तो मैंने अभी डाला है। और साथ में डाल लेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच डाल लेंगे गर्म मसाला, 1 चम्मच डाल लेंगे रेड चिल्ली पाउडर, और मिला लेंगे इन सबको। ये देखिए अच्छे से जो है मसाला पक गया है। तो अब ऐड कर लेंगे साबूदाना, और मिला लेना है इसे अच्छे से। बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है, व्रत में आप आसानी से इसे जल्दी से बना के इसे खा सकते हो, और इससे पेट भी फुल रहता है। और इसमें आप ऐड कर लेंगे पानी, तो मैंने यहाँ पे 4 कप के करीब पानी जो है ऐड कर लिया है, क्योंकि इसे हमें बॉईल करना है, तो थोड़ा सा पानी जो है ज़्यादा ही डाला है। अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसे लगा देंगे ढक्कन,
चार पाँच मिनट इसे बॉईल कर लेंगे। ये देखिए उबाल आ रहा है इसमें। छोटे साइज़ का साबूदाना है तो ये झटपट से जो है ये गल जाता है। ये देखिए मैं आपको दबा के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये। और इसमें अब ऐड कर लेंगे हम मूंगफली और साथ में डाल लेंगे फूल मखाने। और साथ में कड़ी पत्ता मैंने बारीक काट लिया है उसको भी ऐड कर लेंगे और मिला लेंगे इन सबको। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। और गैस बंद कर देंगे, मिलाएंगे इसको फिर से। तो ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। तो इसे सर्व कर लेंगे एक बाउल में। ये देखिए कितनी बढ़िया सी बनी है। इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा कटी हुई कड़ी पत्ता ही डाल रही हूँ मैं, आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हो काट के इसमें। तो ये देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार है। व्रत के लिए आप इस नवरात्रि जरूर इसे बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी और हेल्दी भी है, साथ में इम्यून को भी स्ट्रोंग करती है। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन गई है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।